हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन चैनल अपने अन अकेडमी का जो चैनल है स्टूडियो का स्कैप वेलोसिटी। मॉर्निंग में ही मैंने एक सेशन लिया था 11 से 12 में, तुमने देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा के ऊपर वो स्टार्ट किया है। अभी जो सेकंड वाला जो सेशन है, एक दिन में दो सेशन मेरे रहेंगे। दूसरा जो सेशन है वो है हम कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस हम इसके अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो पहला जो चैप्टर आता है वो सेट और रिलेशन का है, तो उसमें वो जेई एडवांस में तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे बोर्ड और जेई मेन के अंदर वो सिलेबस में 2 या 3 दिन में वो का इसका टेन्योर है जिसके अंदर ये चलेगा चैप्टर, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम एक्चुअल चैप्टर जो है हमारा जेई एडवांस के हिसाब से वो होगा फंक्शन, उसको हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज सेट और रिलेशन के बारे में। ठीक है, लेसन वन है माई सेल्फ ओम शर्मा। पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं कि शुरुआत के 2-3 क्लासेस में खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि आप किन से पढ़ने वाले हैं। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT बॉम्बे इन 2007 बैच, तो करीब 12 साल तो मैं पढ़ा चुका हूं, ये मेरा 13th ईयर है पढ़ाने का और कोटा का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुका हूँ, ठीक है, और जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो मैथमेटिक्स का मैं तुम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। कॉलेज के एक्सपीरियंसेस क्या कॉलेजेस में होता है, क्या प्लेसमेंट होता है, वो सब भी डिस्कशन हम करेंगे। एक और बहुत बड़ा टैग है BARC का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कई लोगों को रिसर्च का भी इंटरेस्ट रहता है, तो मैं कॉलेज के सेम टाइम पर अपने कॉलेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जाता था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अन अकेडमी की जब हम बात करें, कोटा के बाद हम अन अकेडमी पे आ गए हैं, जो कोटा का एक्सपोजर अन अकेडमी पर सभी स्टूडेंट्स को देने के लिए अक्रॉस द इंडिया अक्रॉस द ग्लोब। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @OmSir के ऊपर यहाँ पर लाइव, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया कि 2 क्लासेस मेरी इसके ऊपर चलने वाली इस चैनल के ऊपर। चैनल का नाम याद हो गया है सबको, एस्केप वेलोसिटी अन अकेडमी स्टूडियो एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, फिजिक्स की टर्म है। 11 से 12 में मैं अलजेब्रा पिक किया है मैथमेटिक्स का, ये दोनों ही टफ ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की, दोनों को मैंने पिक किया एक मॉर्निंग में और एक सेशन में, प्लस कोर्सेज में भी मैं इसके बारे में तुम लोगों से इंटरेक्शन किया करूँगा। यूट्यूब पर अलजेब्रा में जो फर्स्ट चैप्टर पिक किया है वो है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जानते हो कि थोड़ा सा टफ चैप्टर है, पर हम उसको धीरे 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 बिल्ड डाउन करते हुए चलेंगे। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस को पहले पिक किया है, उसके अंदर जो चैप्टर जैसे मैंने अभी बोला कि मैं सेट और रिलेशन को आगे लेकर बढ़ूंगा। अन अकेडमी जो प्लस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर मेरे ही अलावा और भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो आपको प्लस के बारे में, जो प्लस वाला चैनल है उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो आपके ऊपर टीचर्स ही कंस्टेंट नहीं है कि आपको मुझसे ही पढ़ना है, आपकी जिससे ट्यूनिंग बैठ जाए आप उससे पढ़िए। ठीक है, ये थोड़ा पेड वाला सब्सक्रिप्शन है हमारा अकेडमी प्लस वाला, ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लीजिए। इसकी 1 मंथ का 5000 है, 3 मंथ का 4 है, तो मैं तो चाहूँगा कि आप 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लें, जिससे आपके मंथली जो है ये 2000 के आसपास पड़ेगा। तो ईयरली अगर आप इसको देखें तो 25000 में आपका जो चीज़ें आप कोटा में पढ़ना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप मेरा कोड यूज़ में लेते हैं ओमसर वाला, तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपका ये अमाउंट 22500 पर बन जाएगी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सेट और रिलेशन में। सबसे पहले सेट, सेट्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर, 0 से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले सेट्स, फिर सेट्स को रिलेट करना रिलेशन, और फिर रिलेशन कब फंक्शन बनेगा, और फिर फंक्शन के बाद जितने भी टाइप्स के फंक्शन होते हैं उन सबको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो ताकि कोई ये ना बोले कि सर आपने बीच में से पिक कर दिया था तो मैं तो थोड़ा लैग कर गया। इवन वो स्टूडेंट जो छोटी क्लासेज में 9th और 10th में ही, वो भी इनको पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, 2 या 3 लेक्चर के बाद ही स्पीड पकड़ लेगा, तो जो ड्रॉपर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा इसके अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सेट्स क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स डेटा और नंबर्स। एक कलेक्शन है नंबर्स का, डेटा का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, उसको सेट्स बोलते हैं। और वेल डिफाइंड है जो डिस्टिंक्ट, अलग अलग नंबर्स की बात की जा रही है। ठीक है, कैसे, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला देखिए, इस वेल डिफाइंड वाले वर्ड को हम सीखेंगे। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हुए, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। तो इसने लैंग्वेज में लिख दिया
10 से छोटे हो, नेचुरल नंबर हो, ये बन गया है हमारा सेट। सेट को लिखने का तरीका है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, जो एलिमेंट आएंगे उनको कॉमा लगा के हम लिखने वाले हैं, ठीक है। रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी वेल डिफाइंड है, एक वर्ड लिखा है यहाँ पर वेल डिफाइंड। ऑड नंबर्स वेल डिफाइंड है, तो यस इट इज अ सेट। रिवर्स ऑफ इंडिया वेल डिफाइंड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सबको लिखा हुआ है, किसको हमने रिवर कंसिडर किया है, किसको रिवर कंसिडर नहीं किया है, गंगा, यमुना, कावेरी, ठीक है। ये भी एक सेट बनाया जा सकता है कर्ली ब्रैकेट में, जितनी भी रिवर्स हैं सबके नाम यहाँ पर हम लिख दिए जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ में ही होता है सेट, सब जगह बना सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग। ऐसा नहीं कि वन है तो वन को हम दो बार लिख दें, रिपीट नहीं करते, ठीक है, एक ही बार लिखा जाएगा, डिस्टिंक्ट चीज है वो। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी सेट्स ही होते हैं, ये भी डिफाइंड है, कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये बन गया अपना सेट। अगला नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट इन क्लास 11। अब देखो, ब्राइट बोला है, ब्राइट मतलब व्हाट, कुछ क्राइटेरिया देते, परसेंटेज का क्राइटेरिया देते कि जिनकी टेंथ में ज़्यादा हो या कम हो, तो ब्राइट वर्ड जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इससे हम कलेक्शन नहीं बना पाएंगे। कलेक्शन ऑफ रिनोन्ड मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड, मैथमेटिक्स के जितने रिनोन्ड है, रिनोन्ड मतलब क्या, या तो कुछ उसमें बात की जाती, पर्टिकुलरली डिग्री की बात की जाती तो बात समझ में आती, तो वेल डिफाइंड ये वाला भी नहीं है। ब्यूटीफुल गर्ल्स, अभी ब्यूटीफुल इज अ रिलेटिव टर्म, ए और बी में कंपेयर कर रहे हैं, इज अ रिलेटिव टर्म, तो इन तीनों के लिए हम सेट्स नहीं बना पाएंगे, दे आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। ऊपर वाले तीनों वेल डिफाइंड थे, सबको पता है इंग्लिश अल्फाबेट, कहीं पे भी जाके पूछो तो वॉवल्स कौन से हैं, दे आर वेल डिफाइंड, इनको वेल डिफाइंड कर देंगे, ये भी सेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, डेटा हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, सब किसी कैटेगरी में आ जाते हैं सेट्स की में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्डिनल नंबर, सेट्स में कॉमा लगा के लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। सो एन ऑफ ए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उस सेट में क्योंकि डिस्टिंक्ट है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, तो उसको काउंटिंग करके हम कार्डिनल नंबर बना सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, पहले वाले सेट में 1, 3, 5, 7, 9 लिखा है, तो इसका अगर हम कार्डिनल नंबर लिखें तो इसका मतलब ये है कि इस सेट में कितने नंबर्स प्रेजेंट है। तो कितने नंबर्स प्रेजेंट है, 1, 3, 5, 7, 9, सो इट इज 5, इसका कार्डिनल नंबर हो गया 5। लिखने का तरीका ऐसे, एन काउंटिंग बताएगा, ए उस सेट्स के बारे में बोलेगा, तो कितना हुआ वो हमें काउंटिंग करके लिख देना है। क्या ये जरूरी है कि काउंटिंग नंबर्स हमेशा फाइनाइट ही हो, जैसे सेट्स अगर हम नेचुरल नंबर्स का बनाने लगे तो ये तो 1, 2, 3, 4 ये चलता चला जाएगा। तो जब कार्डिनल नंबर फाइनाइट होगा तो वो बन जाएगा फाइनाइट सेट, अगर वो इनफाइनाइट है तो कार्डिनल नंबर अगर बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। तो दो बातें हमने सीखी, सेट्स क्या हैं, वेल डिफाइंड को डेफिनेशन बता दी जाए, ठीक है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें कितने नंबर्स होंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे, ठीक है, और रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। वेल डिफाइंड वाली बात जो है वो हमें दिख जाता है कि सेट ही कैटेगरी में आता है या नहीं आता, एम्बिग्यूटी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। कार्डिनल नंबर उस सेट्स में कितने एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये दो टर्म्स में पता होना चाहिए, सेट, नंबर्स, डेटा, ऑब्जेक्ट, किसी की जो डेफिनेशन हो, किसी रूल को फॉलो करें। सेकेंड कार्डिनल नंबर हो गया उसके ऊपर कितने उसके अंदर एलिमेंट हैं। तो मैं आगे बढ़ूँ, दो बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, फर्स्ट मेथड। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का मतलब यह है कि इसके अंदर हम एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिखते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन एक्सप्लिसिटली और डायरेक्टली, जैसे मैंने पहले लिखा था इसके पहले एग्जाम्पल्स में, जैसे गंगा है जो रिवर्स के नाम अगर लिखना है एक्सप्लिसिटली लिख लो, ठीक है, या अगर तुम ऑड नंबर्स लिख रहे थे तो भी हमने एक्सप्लिसिट लिखा था, वो सब कौन सा फॉर्म था, रिटर्न इन दिस ब्रेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखने के बाद एक्सप्लिसिट लिखोगे, दैट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स इन अ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, डायरेक्टली अगर तुम लिखते हो तो। द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर्स लेसर देन 7, जैसे ये लैंग्वेज हमें दिया कि एक सेट बनाओ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर्स, तो हमने बनाया एक सेट ए, ठीक है, बताइए 7 से छोटा इवन नंबर, सबसे छोटा तो 2 होता है, 2,
4, 6। क्या ये इस बात को कंप्लीट करता है जो लिखा है? पढ़ते हैं हम। सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 7, 7 से छोटे, यानी 1 तो नेचुरल नंबर्स बोला है, पॉजिटिव नंबर्स बोला है, तो 1 से 1 ऑड नंबर है, तो 2, 4 से। इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? एन ऑफ ए। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 3। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर हो गया 3, और ये सेट किस में काउंट होगा? फाइनाइट नंबर से, इसलिए फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, सेट ऑफ वॉवल्स ये हम देख ही चुके हैं, ए ई आई ओ यू, तो कितना है इसके कार्डिनल नंबर? 5। ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट पहले किया ही था हमने, ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब सेट बनाना है हमें जिसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर्स आए। नेचुरल नंबर्स को क्लासिफाई करने के लिए ऑड और इवन की डेफिनेशन अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जितने भी नेचुरल नंबर्स है, इफ दे आर डिविजिबल बाय 2 तो वो ऑड नंबर्स है, इवन नंबर्स है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो सब आ जाते हैं कैटेगरी में ऑड नंबर्स में। सो 1, 3, 5, 7, 9। क्या ये फाइनाइट होगा? नो, ये तो चलता चला जाएगा, कहीं ना कहीं जाके 1, 1, 3, 1 ये भी नंबर आएगा, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होता, 1111, 1, 3, 1। ऐसे बहुत सारे नंबर जो इंटीजर हैं, 2 से डिविजिबल नहीं है, सब ऑड नंबर से। फिर बारी आती है कि सर इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। कार्डिनल नंबर जैसे मैं समझा रहा हूँ, इसके अंदर कितने सेट्स हैं, कितने सेट्स के एलिमेंट्स हैं, इन्फाइनाइट आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तो देखो रोक दिया था, 7 से छोटा कर दिया था, यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये सेट होगा इन्फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, इसका कार्डिनल नंबर 3, इसका कार्डिनल नंबर 5। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो जरूर कमेंट करें, तो मुझे बता दें, मैं पर्सनली उसका आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट पढ़े हम आगे। अब पहला हमने सीखा लिखने का तरीका जो था रोस्टर फॉर्म, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, तो फिर कैसे लिखा जाता है? डायरेक्ट लिखने के बजाय हम उसका वहां पर सेट को बिल्ड करते हैं। बिल्ड करते हैं मतलब कोई डेफिनेशन लिखेंगे, कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लिख देंगे, या कुछ लॉजिक लिखा रहेगा, ठीक है, तो उससे वो एक्सप्लेन हो जाता है कि सेट के अंदर क्या आने वाला है। तो रोस्टर में डायरेक्ट एलिमेंट लिखे जाएंगे, सेट बिल्डर में सेट को बिल्ड करने का फॉर्मूला, लॉजिक, मैथमेटिक्स का रूल, इनमें से कुछ भी बात एक एक्सप्लेनेटरी चीज लिखी हुई होगी, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे क्या लिखा है इसके अंदर, X इज ए वॉवल इन इंग्लिश इन अल्फाबेट। तो फिर इसने क्या किया, जैसे जो पहले जो लैंग्वेज लिखी हुई थी ये वाली, उसका रिप्रेजेंटेशन देखो, इसने बोला ये X लिखना है, ये लिखने का तरीका है ये वाला साइन, और X इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब हम यहाँ पर जो भी अल्फाबेट हैं, यहाँ X लिखा है तो आ जाएगा A E I O U। तो इसने यहाँ पर इसका लॉजिक लिखकर बता दिया, ठीक है, और इसने यहाँ कुछ नहीं बोला कि एक सेट फॉर्म करो जैसा कि पिछले वाले में लिखा हुआ था। देखो यहाँ पर, यहाँ जो लिखा था इसने, यहाँ तो एक मैथमेटिक्स की लाइन लिखी हुई थी, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं था। रिप्रेजेंटेशन ये है जिसमें लिखा है इन्होंने वी इक्वल टू एक्स कॉलन, और एक्स इज ए वॉवल, तो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया? दिस इज रोस्टर। आगे देखिए, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज फ्रॉम 3 to 10, ठीक है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो 3 से 10 के बीच में, देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं अपने पास एक्स की वैल्यूज बोलो, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बात ये आती है, ये सब वैल्यूज इसके अंदर परमिसिबल है, नेचुरल नंबर है, इसके बीच में काउंट हो गया है, तो 4 इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 4 से काउंटिंग स्टार्ट होगी इसके नेचुरल नंबर की, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जा नहीं सकते। अब देखो x था तो हमें देखना सेट के आगे क्या लिखा है, यहाँ देखो सेट a है और यहाँ पर x ही लिखा है, और ये x के बारे में पता था, तो फिर हम x की वैल्यू ही डायरेक्ट रखेंगे, तो x की वैल्यू ही हमने डायरेक्ट रखी, ये बन जाएगा इस सेट का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें, जो अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें सेम चीज लिखी हुई है ऊपर तक, लेकिन सामने क्या लिखा हुआ है, 4x। तो सेट x की वैल्यूज तो आ गई हैं, लेकिन यहां सेट जो बनेगा वो x से नहीं बनेगा, वो बनेगा किससे, 4x से बनेगा। तो अब हमें x की हर वैल्यू को
फोर टाइम्स करना पड़ेगा। तो देखा ये लाइन यहाँ और यहाँ सेम है, तो डिपेंड करता है सामने क्या लिखा है। अगर यहाँ पर 2x कर देता तो फिर ये सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाते, ठीक है। तो इसने समझाया सेट इज इक्वल टू ब्रैकेट में 4x एंड x इज ए नेचुरल नंबर दिस टू दिस, तो 4 टाइम्स करेंगे तब हमारे पास ये वाला सेट जनरेट होगा। ये बन जाएगा 16, 4 से मल्टीप्लाई 20, 24, 28, 32, 36, ठीक है। सेम चीज यहां भी लिखी हुई है, तो मैं ये तो समझ चुका हूं और समझा भी चुका हूं कि पीछे वाली लाइन तो तुम डिकोड कर लोगे, इंपॉर्टेंस है आगे क्या लिखा है उसके अंदर। तो यहां तुम देखो, यहां था 4x, यहां है x प्लस 3, तो अब x में मल्टीप्लाई की जगह क्या होगा, 3 से एडिशन होगा, तो एडिशन होगा तो अब हमारा जो सेट होगा वो बन जाएगा, इन सब में x की वैल्यूज में 3 ऐड कर दो, सो इट इज 7, इट इज 8, इट इज 9, इट इज 10, इट इज 11, इट इज कितना ऐड करना है, हाँ 3, 12, ठीक है, ये बन गया। कार्डिनल नंबर की बात करें, कार्डिनल नंबर अलग चीज है, कार्डिनल नंबर मतलब काउंटिंग, काउंटिंग कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, सबके कार्डिनल नंबर सेम है क्योंकि एलिमेंट तो यहीं पर आ रहा है, तो आगे जो लिखा रहता है उसका भी रोल होता है। तो अगर हम अब तक का कंक्लूड करें कि हमने सेट में क्या सीखा, सेट एक डिफाइंड वेल डिफाइंड लॉजिक होगा जिसमें वो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं या कोई और डेटा लिख सकते हैं। कार्डिनल नंबर उसकी काउंटिंग बताता है कि उस सेट्स के अंदर कितने काउंटिंग है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, किसी एक को रिपीट नहीं करेंगे, कॉमा लगा के लिख देंगे, कॉमा बताता है कि सेपरेट कहाँ करना है, हर एलिमेंट कितनी बार आने वाला है और एक ही बार लिखेंगे। आगे नंबर्स क्या है उसका भी रोल है। तो फिर आया रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से, एक ही रोस्टर, रोस्टर में डायरेक्ट एलिमेंट लिखे रहते हैं, ये सब रोस्टर हैं, क्या है ये सब रोस्टर, ठीक है, और ये सब कौन से फॉर्म है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन करिए, इन सब का इंटर कन्वर्जन करिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे आता है, ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर है या रोस्टर है, तुम्हें क्या लगता है, क्या इन्होंने एलिमेंट लिखे हुए हैं डायरेक्ट या कोई रूल मैथमेटिक्स या लॉजिक लिखा हुआ है, ये तो मैथमेटिकल का रूल लिखा हुआ है यहां पर, तो ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये वाला कौन सा फॉर्म है, यहां भी रूल लिखा हुआ है मैथमेटिक्स का, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया हमारा रोस्टर मेथड लिखा हुआ, डायरेक्ट एलिमेंट लिखे हुए, टेबुलर फॉर्म हो गया सीधा, ठीक है। तो हमें इंटर कन्वर्जन करना है कि अगर रोस्टर में लिखा है तो उसको उसमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, सेट बिल्डर में लिखा है तो उसको रोस्टर में कन्वर्ट करो। तो आइए शुरू करते हैं, 4x से x इंटीजर से x स्क्वायर माइनस 4, पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 यहां से हम लिख लेंगे x माइनस 2, x प्लस 2 लेसर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस प्लस, x का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस 2 से 2 क्लोज आएगा, ये तो रियल नंबर्स बीच वाले भी आएंगे, लेकिन आगे देखो क्या लिखा इसने, इसने बोला सिर्फ इंटीजर पिक करने, इंटीजर पिक करने हैं तो माइनस 2 से 2 के बीच में जो रूट 2 आ रहा था वो हटा देंगे, सिर्फ इंटीजर्स पिक करेंगे, और अगर हम सिर्फ इसके अंदर इंटीजर्स पिक करें तो हमारे लिए जो एक्स की वैल्यूज पॉसिबल है वो है माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 और 2, करेक्ट, ये एक्स की वैल्यूज हो गई। अब हम आगे रीड करते हैं क्या लिखा है, यहां पर लिखा गया है 4x, तो x नहीं लिखना है, क्या करना है सबको 4 टाइम्स करना है, तो क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर लें, जो x की एक्सेप्टेबल वैल्यूज आई है इंटीजर्स तो वो सबको 4 गुना हम कर देंगे, सो माइनस 8, माइनस 4, 0, 4, 8, कंप्लीट, ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। चलिए तो ये किस में चेंज हो गया, दिस इज नाउ रोस्टर, और पहले वाले में क्या था, ये सेट बिल्डर फॉर्म था। अच्छा अगले वाले को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे सब क्वेश्चंस को, तुम उससे सॉल्व करने के पहले तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स का, तुम इसको सॉल्व करो, आराम से रीड करना सेकंड क्वेश्चन को, रीड में कर देता हूं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
माइनस टू से लेस देन इक्वल टू फाइव के बीच में नंबर्स हैं, और जो एक्स आएगा वो यहीं रखने वाले हैं, यहाँ फोर एक्स था। थोड़ा सा करो इसको वीडियो को, बस ऐसे करके देखते मत रहा करो, मैथमेटिक्स है, कॉपी पेन चलाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। और ज़्यादा खुश मत हो कि सर ये तो आता है, अरे अभी शुरुआत है, ठीक है, धीरे धीरे, मैंने बोला ना जीरो से, इवन ये सब चीज़ें तो नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट भी सीखता हुआ चल सकता है, इतना माइन्यूट लेवल से, जीरो लेवल से मैं इसको स्टार्ट करता हुआ जा रहा हूँ। चलिए बना लीजिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स के आसपास, थोड़ा सोच सोच के बनाओ उसको, और जो ये कर ले अगला वाला करना। जो भी बातें अब तक मैंने बोली है, मैं बोलता रहता हूं, तुम अपना काम करते रहो, उसको तुम ध्यान से सोचते रहो। मॉर्निंग वाली क्लास में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूं, वो भी अच्छा टॉपिक है। अगर कोई चाहे कि सर मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मुझे तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, तो इन दोनों ब्रांचेस को एक साथ पैरेलल में भी कर सकते हो, ठीक है, सारी बातें सिखाऊंगा मैं बिल्कुल जीरो से। बनाई बात, आई थिंक इतना टाइम सफिशियंट है इसको करने के लिए, कर लिया होगा। नेचुरल नंबर नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होता है, तो वन से स्टार्ट होता है, तो बताओ माइनस टू से तो मैं मतलब ही नहीं है। पांच से छोटे नेचुरल नंबर एक्स, पांच से छोटा नेचुरल नंबर और एक्स ही लिखना है तो मजे की बात हो गई। अगर यहाँ मैं x बाय टू कर दूँ सपोज करो, तो हमारा चेंज हो जाएगा, सारे नंबर हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आने वाली हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, सबको हमें हाफ करना है, तो ये बन जाएगा वन बाय टू, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, x बाय टू कर दिया, वन बाय टू, वन थ्री बाय टू, फोर बाय टू दैट इज टू, और ये फाइव बाय टू, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ इंटीजर से मल्टीप्लाई, हम हाफ भी कर सकते हैं, ये वाला सेट बन जाएगा अगर मैं यहाँ पर x बाय टू लिखता हूँ, ठीक है। चलिए लास्ट वाला में, अब लास्ट वाला कौन से फॉर्म में हमें गिवन है, लास्ट वाला हमें गिवन है रोस्टर फॉर्म में, हमें इसको बिल्ड करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी हमें इसका इस तरीके से लॉजिक ढूंढ के लाना है। तो अब ढूंढो माइनस एट माइनस फोर जीरो, फोर और एट ये सब चार की टेबल है, किसकी टेबल है, फोर की। तो हम ऐसे लिखते हैं, रोस्टर में चेंज करना आसान होता है, इससे उसमें चेंज के लिए थोड़ा सा लॉजिक हमको लिखना पड़ता है। तो देखो चार का मल्टीपल चल रहा है, तो क्यों ना मैं यहां पर 4x लिख देता हूं, करेक्ट, और x को क्या ले लेंगे हम, इंटीजर्स, ठीक है। और x की वैल्यूज देखो 4x है, तो सबसे पहले x की वैल्यू माइनस टू भी आनी चाहिए, माइनस वन भी आना चाहिए, जीरो भी आना चाहिए, वन भी आना चाहिए, टू भी आना चाहिए। तो अब हमारा जो x है वो हम ऑसिलेट करवा देंगे किसके बीच में, वेरी करवा देते हैं इसको माइनस टू से टू के बीच में। आप सोच के देखिए क्या हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया, थोड़ा सोचेंगे मैथमेटिक्स आराम से हम इसको इसमें ला सकते हैं। माइनस टू से टू के बीच में हम सबसे पहले माइनस टू रखेंगे, तो यहाँ फोर एक्स है, तो ये माइनस एट, माइनस वन, माइनस फोर, जीरो जीरो, वन फोर टू एट, करेक्ट, किस में कन्वर्ट हो गया, रोस्टर से सेट बिल्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो नंबर है उसमें लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, कितना लिखा हुआ है 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9, 12 जो नंबर्स लिखा हुआ है इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 3, 6, 9, 12 को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर में, फॉर्मूला लिखना है इसका, ये 3 की टेबल है, आई कैन राइट इट एज 3x, करेक्ट, 3 का टेबल, 3 times 1, 2, 6, 3, 9 और 4, 12, सो अगेन राइट इंटीजर्स की जगह मैं नेचुरल नंबर भी लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर्स लिखा और x की वैल्यूज हमने लिख दी यहाँ से यहाँ तक, x से 1 से लेके 3 तक, क्या ये बात सही है, सोचो 1 से 3 में नेचुरल नंबर्स अगर काउंट करेंगे तो 1 आएगा तो 3, 2 आएगा तो 6, 3 आएगा तो 9 और 4 भी जाना चाहिए, सो आई एम राइटिंग 4, तो 3 into 4, 12, अच्छा इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैं इसको लिखा 3x, x को मैंने लिख लिया वही नेचुरल नंबर, और मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ x square minus 16 less than 0 and x is not equal to 0, ज़रूरत नहीं है, बताइए
क्या इस लॉजिक को ये भी बोल सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 को अगर हम सॉल्व करके देखें तो हम पहुंचते हैं एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, तो माइनस चार से चार के बीच में आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन मैंने यहाँ नेचुरल नंबर लिख दिया है तो फिर माइनस चार से लेकर जीरो तक तो डिसेबल हो जाएंगे, हट जाएंगे, और नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग कहाँ से होगी? फिर वन से लेके फोर तक, तो वापिस यही बात है। तो हमने क्या देखा कि सेट बिल्डर में ज़रूरी नहीं है कि हम किसी सेट को यूनिकली लिख पाएँ, हम उस सेट को एक से ज़्यादा तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर में तो डायरेक्ट एलिमेंट लिखा जाता है, इसको हम किसी और तरीके से क्या लिख सकते हैं? सर 6 को आगे कर लेते हैं, अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये ऑर्डर में थोड़ी होते हैं, ये तो बस सेट्स होता है, नंबर होता है, उसका पोजीशन का कोई फ़र्क नहीं होता। तो रोस्टर तो एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन सेट बिल्डर में हम जो लॉजिक है उसको हो सकता है एक से ज़्यादा तरीके से भी लिख पाएँ। तो ये भी इसका आंसर सही है, ये वाला भी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लिखा है 4 9 16 25 36 49, इसके बारे में बात कर रहे हैं। 4 9 16 25 36 49, क्या लगता है इसके बारे में? थोड़ा सोचो। 4 9 16, ये तो स्क्वायर चल रहा है, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, यानी जो अपना एक्स है वो सिंपल एक्स नहीं आने चाहता, हम उसका करेंगे पहले स्क्वायर। कर दिया स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से भी ये वाला कॉलन का साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है थोड़ा गौर से देखो, ये 2 का स्क्वायर है, 3 2 3 4 5 6 7, सो 2 से लेके 7 तक सबके स्क्वायर किए हुए हैं। एक्स को हमने ले लिया नेचुरल नंबर फिर से, और इसको हमने स्टार्ट किया 2 से 7। अब देखिए 3x था, यहाँ स्क्वायर हो गया, कोई और इक्वेशन भी आ सकती, थोड़ा रिट्रेस करके समझते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स नेचुरल नंबर, 2 से 7 2 रखेंगे आ जाएगा 4 9 16 25 36 और 49। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि नेचुरल नंबर्स आएंगे तो मैं 1 से ग्रेटर और 8 से लेस भी लिख सकता हूँ। 1 से ग्रेटर जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक से ज्यादा तरीके से हम इसको सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला पढ़ो। सेट ए लिखा है 3 5 7 11 13 17 19, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 3 5 7 11 13 17 19। ये नंबर्स कैसे लग रहे हैं थोड़ा पहचानो, क्या ऑड नंबर्स हैं? ऑड नंबर तो है, पर तीन ऐड नंबर में तो 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 9 भी आता है, 9 नहीं है, 11 आता, 13 आता, 15 गायब है, 17 19 है, तो 9 और 15 क्यों गायब है? और इन सब नंबर्स में क्या खास बात है? क्लिक हुआ किसी को? दे आर प्राइम नंबर्स, दे आर प्राइम नंबर्स। इनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते तो ये क्या बन जाते? कंपोजिट नंबर बन जाते। तो 3 के मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 3, 1 एंड 5, 1 एंड 7, तो ये सब क्या बन गए? ये सब बन गए प्राइम नंबर्स का सेट लिखा हुआ है 3 से लेके 19 तक। तो इसको हम कैसे बनाएं? एक्स इज अ, इट इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज प्राइम नंबर, या प्राइम नंबर तो 2 भी होता है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स इज अ एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होता है, तो 3 से ऑड प्राइम नंबर लेसर देन 20। क्या ये लॉजिक हमारा सही बना? सोचो x इज अ एन ऑड प्राइम नंबर लेसर देन 20, तो 9 ऑड प्राइम नंबर नहीं होता, 9 के तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, 1 3 और 9, तो ये तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हम इसके लिए सेट बिल्ड जरूर कर सकते हैं। क्या हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि ऑड प्राइम नंबर है लेसर देन 20 की जगह मैं 21 लिख लेता, 21 से छोटे भी यही प्राइम नंबर्स आते हैं, मैं 22 भी लिख सकता हूँ, 23 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि लेस देन बोल रहा हूँ तो 23 अगला प्राइम नंबर आएगा, तो उससे लेस देन बोल रहा हूँ तो भी यही बनने वाला है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स इज प्राइम नंबर
प्राइम नंबर है और मैं लिख दूं एक्स के बारे में, ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 23 है, ये भी पॉसिबल है। दो का प्रॉब्लम था, दो हटा दिया, तो 2 से लेके 23 के बीच में ये सब आ जाएंगे, तो एक और तरीका आ गया। तो देख रहे हैं सेट बिल्डर में एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट बात अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ सेट, जो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हें थोड़ा बहुत बता चुका था, वापिस आता हूँ। फाइनाइट सेट जब है, जब वो कार्डिनल नंबर उसका कैसा हो, फाइनाइट हो, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको हम कैटेगरी में रखेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट जब कार्डिनल नंबर कैसा हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, जो हमने डिस्कस भी किया था। नल, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, इसका क्या मतलब? मतलब इसके अंदर ये ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट है ही नहीं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट बना देंगे लेकिन रहेगा खाली। रोस्टर में लिखेंगे ना एलिमेंट लिखेंगे, तो नल सेट है तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सर ऐसा कैसा सेट हो गया, देखो बताता हूँ तुम्हें कि एक सेट बनाया गया एक्स है और एक्स बना दिया हमने रियल और सॉल्यूशन ये है उसका। अब देखो एक्स रियल नंबर है और यहाँ से निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू तो आयोटा के फॉर्म में आएगी, प्लस माइनस वन आयोटा, लेकिन वो तो रियल होना चाहिए, वो तो इमेजिनरी नंबर है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। सो इसको अगर हम रोस्टर में चेंज करें तो इट इज जस्ट अ एम्प्टी सेट। तो जिस सेट का कार्डिनल नंबर 0 हो जाएगा, उसके 3 नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। वॉइड मतलब वो भी खाली है। सिंगलटन, जैसा नाम में लिखा हुआ है सिंगलटन, सिंगलटन सेट्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। जिस सेट्स में सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट इज सिंगलटन। नाम में लिखा हुआ है सिंगल है, नल मतलब 0 है। जैसे कोई सेट हमने बना दिया जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 5 रख दिया, तो उसको नाम क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज हैं, नाम है इन सब के। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स उनको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल रहेंगे, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में कैसे हैं, सेम है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट है। इक्वल सेट्स वो बोलेंगे जब सेट्स बराबर हैं। ये क्या डिफरेंस है, आओ समझाते हैं। सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6। तो पहली वाली बात, क्या ये इक्विवेलेंट है? बिल्कुल है। इसका कार्डिनल नंबर 3 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है, तो दोनों तो बराबर हो गए, इक्विवेलेंट में चले गए। क्या ये इक्वल का है? इक्वल में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, यहां 1 है यहां 1 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो सेट अगर हम देखें तो इट इज इक्विवेलेंट, ये वाला ये है, बट ये इक्वल सेट में नहीं काउंट होगा। इक्वल सेट में एलिमेंट तो बराबर होने ही चाहिए काउंटिंग उनकी, लेकिन एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम होंगे तभी तो इक्वल बोलेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, इक्वल मतलब सेम सेट हो, इक्विवेलेंट मतलब कार्डिनल नंबर उनका सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा, पिताजी बिल्कुल, या दादाजी समझ लो, या दादाजी से भी दादाजी, परदादाजी। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट, सुपर सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब यह है कि अगर इसमें होता यह है कि जो सेट्स के एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 3 4 है, और हमारा, जैसे मैं तुम्हें समझाऊं कि यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 तक है। ठीक है, और एक सेट है ए जो रखता है 1 और 4 को, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी ए डैश बोलूँ मैं इसको, या ए के ऊपर ऐसे बार बना देते हैं, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि ए को छोड़कर जो बचे हुए एलिमेंट है उसको हम लिख लेंगे। ए को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट लिखेंगे तो 1 और 4 इसमें से हट जाएंगे, तो क्या बचा अपने पास, 2 3 5 4 6। ठीक है, ये डैश लगा देते हैं इस तरीके से, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री यानी उसको छोड़कर बाकी क्या बचा।
इसको वेन डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, यूनिवर्सल, ये पूरा वेन डायग्राम को इसको बोलते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, उसमें से दो एलिमेंट ए के अंदर हैं, कौन से एलिमेंट हैं, 1 और 2 1 और 4, तो बाकी एलिमेंट इसके बाहर होंगे, दैट इज 2 3 5 6. तो ये हुआ ए, ये है सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट. तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा ए, तो ये पूरा फिल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा इसके बाहर बाहर का, ये वेन डायग्राम के हिसाब से तुम्हें समझा रहा हूँ. वेन डायग्राम इसका बस एक पिक्टोरियल व्यू होता है समझने का, ठीक है. ये तो सेट ए, ए को 4 था, ए डैश होगा ए को छोड़कर बाहर बाहर वाला, दैट मीन्स यू माइनस ए. डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट उसको बोलते हैं जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, ठीक है. जैसे इन दोनों सेट्स में क्या कुछ कॉमन है, ए और बी में, दिस इज अ साइन फॉर कॉमन, ठीक है, उल्टा यू जो बना रहता है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखो 1 नहीं है, 2 2 दोनों जगह है, ठीक है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट बनेगा, नहीं, डिसजॉइंट सेट तब बनता जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है. तो फिर समझा दूं, इक्विवेलेंट, कार्डिनल नंबर सेम, इक्वल, एक एक एलिमेंट सेम, यूनिवर्सल, बहुत बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट उस पूरे उसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री, जो किसी का बनाओगे तो जो एलिमेंट ए के होते हैं वो हटाने के बाद जो बचेगा, और डिसजॉइंट का मतलब है दो सेट्स का कॉमन फाई आए, दो सेट्स का कॉमन फाई आता हूँ. चलिए आगे, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है इसके बारे में हम सीखेंगे. देखिए, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए है 1 2 3 4, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश का मतलब क्या है कि इन वाले एलिमेंट को इसमें से हटा दो, तो 5 6 7 8 बन गया ए डैश, ए वाले एलिमेंट इसमें से हटा दो. बी डैश क्या होगा, B वाले एलिमेंट इसमें से हटा दो, देखो 2 हटाना है तो बचा गया अपने पास 1 2, लिखा हुआ है पहले से 3 4 हटा दो, 5 हटा दो, 6 हटा दो, बचा कौन, 7 और 8, डन, ये B डैश हो गया. A और B में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं वो हमें पिक करना है, कॉमन एलिमेंट ढूंढ लो, कॉमन एलिमेंट A और B में कॉमन 1 है उसके अंदर, नहीं है, 2 है क्या, 2 है, 3 9 4 4 भी है, तो A इंटरसेक्शन B का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 2. A यूनियन B की अगर हम बात करें, यूनियन में हम दोनों को ऐड करेंगे, यूनियन को अगर हम ऐड करें तो यूनियन कर लेते हैं, यानी दोनों नंबर्स को ऐड करके लिखेंगे, लेकिन सेट का जो रूल है वो भूलना मत, नंबर्स एक ही बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं करते हैं. सो 1 2 3 4 2 4 5 6 में अगर हम लिखें तो दोनों के एलिमेंट सारे आ जाने चाहिए, तो 1 2 3 4 सारे आ गए ए के, और देखो यहाँ पे क्या है, 4 तक तो है, 5 6 और आएगा, दिस इज 5 इट इज 6, ठीक है. अच्छा, अभी देखो यूनियन का डैश लगा दिया है, यूनियन का डैश का मतलब सिंपल सा है कि ये वाला हटा दिया जाए, किस में से, यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा है उसमें से इनको हटा देंगे. तो एक बात बताना, 1 2 3 4 5 6 में से अगर ये हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 7 और 8, ये सब निकल जाएंगे, 7 और 8 बचेगा. अब ये देखिए, इंटरसेक्शन का डैश बना रहे हैं, इंटरसेक्शन का डैश बना देते हैं, बताओ ये रहा इंटरसेक्शन, तो यूनिवर्सल में से 2 और 4 हटा देंगे तो कौन कौन से बचेंगे अपने पास, 1 3 2 हट जाएगा, 1 3 4 भी हटाना है, देन 5 6 7 8, ठीक है, ये भी बन गया. आगे चलू मैं, अब देखो उसी सेट में मैं दो बातें पूछता हूँ, और ए माइनस बी और बी माइनस ए, ए माइनस बी का मतलब ये होता है, अगर मैं वेन डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तुम्हें, दिस इज ए दिस इज बी, ए है ये बी है, बिकॉज ए माइनस बी लिखा है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने यू माइनस ए किया था, तो हमने किया क्या था, यू में से ए के एलिमेंट जो कॉमन थे वो हटा दिए थे, तो ऐसे ही ए में से वो वाले एलिमेंट हम हटा देंगे जो बी के साथ कॉमन है,
सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो बताओ फिर क्या बचा, बी के साथ कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है, टू एंड फोर, हटा दो टू एंड फोर को, हम पहुंचे वन और थ्री पर। ठीक है, ऐसे ही बी माइनस ए की अगर बात की जाएगी तो फिर बी माइनस ए का जो पहले लिखा है उसमें से कॉमन हटाना पड़ता है। अगर यहां है बी माइनस ए तो बी में से ए वाले एलिमेंट हटा देंगे तो हम यहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम यहां से कितना पहुंचे, बी में से कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, टू और फोर, वो हटा देंगे तो हम पहुंचेंगे फाइव और सिक्स। ठीक है, अब एक और नोटेशन ये काम में लेते हैं, ए ट्राइंगल बी। ए ट्राइंगल बी के दो मतलब होते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इस नोटेशन को हम ध्यान रखेंगे, इस नोटेशन को हम ध्यान रखेंगे, और इसका मैं डायग्राम भी बना देता हूं। क्या मतलब है इसका, मतलब a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, लगाओ दिमाग, ये दोनों पोर्शन आ जाएंगे, यूनियन लेना ना, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन, वन थ्री फाइव सिक्स। ठीक है, ये नोटेशन पिछले वाले तो आसान थे, इंटरसेक्शन और कॉमन वाली बात, ये तीनों थोड़े से ट्रिकी है, याद रखें ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस ए और ए ट्राइंगल बी, या टेंशन पे कर लेना, जागे हुए हो ना सबके सब, जितने भी लोग देखते हो कमेंट करके जरूर बताएगा, सर मैंने पूरा वीडियो देखा है, जितने भी लोगों ने देखा है जरूर कमेंट करके बताना कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, चलिए, ये सब थ्योरी के बाद तुम कोई सी भी बुक सॉल्व कर सकते हो, कहीं नहीं फंसने वाले। चलिए अब कुछ और थोड़ी सी बातें, यूनियन लेना है एक एलिमेंट सेट का दूसरे सेट उसी सेट के साथ, तो क्या आएगा, एक सेट है उसका उसी के साथ अगर हमें यूनियन लेना है तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, सेम आएगा, एक नंबर का फाइव जो था नल सेट, नल सेट के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो वापस से वही सेट आ जाएगा। ठीक है, यूनियन ले रहे हैं, कॉमन नहीं ले रहे, कॉमन लेते तो दूसरे सेट में तो कुछ है ही नहीं, इस वाले में बहुत सारे नंबर्स हैं या कुछ भी नंबर है तो कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, दिस विल बी फाइव। ए का ए के साथ कॉमन लेंगे, कॉमन भी सेम ही आएगा, खुद का खुद के साथ कॉमन ले लो या यूनियन ले लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों सेम है। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हमने यूनियन ले लिया, यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे नंबर हैं और ए सेट में थोड़े से नंबर हैं, ठीक है, उसी का सबसेट होता है, तो यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वापस से यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ऐड कर रहे ना, और कॉमन ले लिया तो एक बहुत बड़े में से एक छोटा वाला है, दोनों का कॉमन क्या आया, छोटा वाला आ जाएगा, दैट विल बी ए। ये कितना आ जाएगा अपने पास, फिर से अपने पास ये वाली वैल्यू ए की तरह आ जाएगी। ठीक है, अब ये बातें जो मैंने लिखी हैं इनको थोड़ा तुम सोचो, अब देखो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे क्या है, ए यूनियन बी एन ए एन बी, ये सब क्या लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या फॉर्मूला है। एन याद आ रहा है तुम्हें, एन क्या था, कार्डिनल नंबर, तुम्हें अगर कोई थ्योरी वाला पॉइंट इसके अंदर अगर समझ में आता है तो तुम उसको वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद तुम उसको नोट डाउन करके खुद सॉल्व कर सकते हो और वापस से उसको देख सकते हो। आ जाइए, एन ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, जाइए ए यूनियन बी, तो दोनों का यूनियन लेना है तो ए का भी यूनियन लेना है, बी का भी यूनियन लेना है। ठीक है, तो एन ऑफ ए, ए के सारे एलिमेंट प्लस बी के सारे एलिमेंट और माइनस दोनों का कॉमन सब्स्ट्रैक्ट क्या है। अब देखो ये फॉर्मूला इज वेरी पावरफुल समझने के लिए भी, ए यूनियन बी है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो एन ए के अंदर ये वाला जो पोर्शन है कॉमन वाला, ये कितनी बार आ रहा है, एक बार आना चाहिए ना, तो अगर हम ए लिखेंगे तो उसके अंदर आ चुका है, और अगर हम बी लिखेंगे तो फिर भी एक बार आ चुका है, तो आ कितनी बार गया है, दो बार, फिर समझ रहा, ए वाला सर्कल बनाता हूं तो एक बार आ गया, बी वाला सर्कल बनाता हूं तो भी आ गया, तो आ कितनी बार गया, दो बार, आना कितनी बार चाहिए था, डायग्राम में देखो एक ही बार, एक बार
सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर डिसजॉइंट सेट हुए, तो डिसजॉइंट सेट मैंने बताया था जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उस केस में क्या होगा, उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी उसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा कॉमन वाला, 0। तो डिसजॉइंट वाले केस में यही फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी बन जाएगा, ये वाला नंबर 0 पहुंच जाएगा। एन ए माइनस बी, अभी ये कार्डिनल नंबर के फॉर्मूले चल रहे हैं, ए सेट में कितने एलिमेंट है उसमें से कॉमन वाले हटा दो, ट्राइंगल याद आया, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ट्राइंगल का, ठीक है, इनके काउंटिंग भी हम कर सकते हैं, ऐसे सारे फॉर्मूले जिसके अंदर लिखे हुए हैं। अच्छा, ये थर्ड वाला समझाऊं, 3 आ गए हैं तो क्या हो रहा है, आ जाओ 3 वाला समझा देता हूँ कि सर 3 सेट आ गए हैं, अब कैसे बनाए, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ लिखा है यूनियन तीनों का, तो हमारे यहाँ से सब जगह से इसका यूनियन बनाना है हमें, ठीक है। तो देखो एन ए एन बी एन सी, एक ए पूरा लिखना है, बी पूरा लिखना है, सी पूरा लिखना है। तो अब तुम सोचना, जब ए और बी लिखे गए होंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है, तो जब एन ए और एन बी लिखा गया होगा तो इसके अंदर ये दो बार काउंट हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जैसे हमने यहां किया, ऐसे ही बी और सी वाला भी एक बार घटेगा और ए और सी वाला भी एक बार घटेगा। तो सर फिर ये वाले टर्म कैसे आ गए, आओ इसको समझाता हूँ। पहले इस डायग्राम में वो वाला सेक्शन ढूंढो जो ए बी और सी तीनों में कॉमन है, कौन सा सेक्शन है वो, बोलो, ये वाला पोर्शन है, यही रीजन है जो ए में भी आता है, बी में भी आता है और सी में भी आता है। तो ये जो सेगमेंट है जो तीनों में आने वाला है, तो हुआ क्या है, देखो एन ए एन बी एन सी, क्या ये एन ए में आ चुका है, हाँ आ गया एक बार, ये एन बी में भी आया होगा, ये एन सी में भी आया होगा, तो आया कितनी बार, 3 बार। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी जब लेते हैं हम दोनों ए और बी का कॉमन, तब उसमें ये आता है, आएगा, बी और सी का कॉमन लेंगे उसके अंदर भी ये वाली पार्ट आने वाली है और ए और सी के कॉमन के अंदर भी आने वाला है। तो हुआ ये कि 3 बार ऐड हुआ और 3 बार सब्सट्रैक्ट हो गया, तो इसको तो बेवकूफ बना दिया, 3 बार बुलाया 3 बार भेज दिया, तो ये जा चुका है, पर ये हमें चाहिए तो इसलिए हमें लास्ट में एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और एन कॉमन एडिशन, क्यों, 3 बार ऐड हुआ था, 3 बार ही सब्सट्रैक्ट हो गया। और ये दो फॉर्मूलेज और हैं इनके, ये भी तुम देख सकते हो। नेक्स्ट, अब हम करते हैं वो जो हमने थ्योरी सीखी उसके ऊपर एक क्वेश्चन। पढ़ लो इस क्वेश्चन को, टाइम दे रहा हूं पढ़ने का, रीड आउट करूं, देखो, अमंग 500 स्टूडेंट्स 55 आर पास्ड इन मैथ, 67 आर पास्ड इन फिजिक्स, इफ नन ऑफ देम फेल्स फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट टोटल है, 55 स्टूडेंट्स मैथ्स में हो गए हैं, 67 पास हो गए हैं किसके अंदर, फिजिक्स में, तो फिर नन ऑफ देम फेल हुआ है, कोई भी उनमें से फेल नहीं हुआ है, तो फिर एक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो तुम्हें इसका आंसर देना है कि कितने स्टूडेंट उसके अंदर पास हुए हैं, तो लगाओ दिमाग क्या हो रहा है, देखिए बनाते हैं कहानी। ये हो गए मैथ्स वाले स्टूडेंट, ये हो गए फिजिक्स वाले स्टूडेंट। मैथ्स वाले स्टूडेंट का काउंटिंग बताओ 55, फिजिक्स वाले स्टूडेंट का काउंटिंग बताओ 67, काउंटिंग मतलब जो पास हुए हैं, पास होने की काउंटिंग बता रहा हूं मैं, है ना, ठीक है, 100 स्टूडेंट टोटल्स हैं। अब नन ऑफ देम फेल, कोई भी उनमें से फेल नहीं हुआ है, फेल कोई भी नहीं हुआ है, तो अगर मैं दोनों का पास होने का डेटा पूछता हूँ, फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पास होने का, क्योंकि कोई भी फेल नहीं हुआ, इसका मतलब सारे पास हुए, सारे पास हुए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ एम
प्लस एन ऑफ पी माइनस, और फिर दोनों का कॉमन। ये जो फॉर्मूला हमने सीखा ए और बी वाला फॉर्मूला था ना, वही लगाया है। ए और बी की जगह अगर मैंने एम और पी लिख दूंगा तो कुछ सब बदल थोड़ी जाएगा। तो इट इज 100, इट इज 55, इट इज 67, और ये एम कॉमन पी। यानी मैं वो नंबर निकालना चाहता हूँ जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम पहुँचे एम कॉमन पी, निकाल लेंगे यहाँ से। तो 22 ये नंबर दिख रहा है मुझे, 22 आ रहा है, कितना दिख रहा है, सॉल्व कर लेंगे इसको। 55 प्लस 67 इज 17 है, 17 × 5 = 22, 122, तो इट इज 100। सबस्ट्रैक्ट करेंगे 22 नंबर, यानी दोनों सब्जेक्ट पे पास होने वाले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स कितने हैं, 22 हैं। अब वो हमसे जानना चाहता है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एक ही सब्जेक्ट में पास हुए। एक ही सब्जेक्ट में पास होने वाले मतलब ये देखो, ये वाला नंबर वो वाले स्टूडेंट का जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं, ये वाले उन स्टूडेंट का नंबर है जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, और ये वाले वो नंबर हैं जो दोनों में पास हो चुके हैं। तो हमें सिर्फ ये वाला और ये वाला डेटा अगर निकालना है, तो ये वाला डेटा कितना था, पूरा सर्कल में कितना था, 55, कॉमन वाला पोर्शन कितना आया, 22, हटा दो, यहाँ से आ जाते हैं, इसका कितना था, 67, 22, यहाँ से भी हटा दो, और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। निकाल देते हैं अपने पास डेटा कितना आने वाला है, 78 आ रहा है, ये तो अभी सॉल्व किया ना हमने, 100 है तीनों के डेटा, और यहाँ से चला जाएगा 78। तो 78 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है ये सेट्स के अंदर पूछी जाती है। इसको हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे, और इसमें जो बात है रिमाइंड करने वाली बात यही है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट पूछिए। इस थ्योरी के बाद आप कार्टेशियन, ये जो हमने सीखा है, सेट्स को लिखना सीख सकते हैं, इंटर कन्वर्जन सीख सकते हैं, कार्डिनल नंबर सीख सकते हैं, और इस तरह के जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। कहीं पर अगर तुम फंसो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। मेरा बहुत जल्दी प्लस के ऊपर कोर्स भी आने वाला है, जहाँ पर मैं बहुत सारे तुम्हारे लाइव सेशंस के अंदर जो भी हम इंटरेक्शन जो होता है हमारा, उसके अंदर बहुत अच्छा होता है। मेरा कोड याद रखना अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, ओम सर लिख देना, ठीक है, आपका थोड़ा डिस्काउंट उसके अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में हम ज़रूर इसके अंदर मिलते हैं। ओके।